यूनिसेफ उत्तर प्रदेश की चीफ फील्ड ऑफिसर रूथ एल लियानो एवं डॉक्टर उर्वशी चंद्रा आपदा प्रबंधन अधिकारी शुक्रवार को जनपद गोरखपुर का दौरा करने पहुंची। इस दौरान वे ग्राम अलगटपुर तहसील कैंपियरगंज में आयोजित हो रहे ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण एवं मॉक ड्रिल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी कार्यालय में यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में संचालित परियोजना की प्रगति समीक्षा करने पहुंची। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा प्रबंधन अधिकारी डॉक्टर उर्वशी चंद्रा एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, दो ग्राम पंचायत के लिए तो जो हमने मॉडल विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी बनाया है जिसमें DRR आपदा न्यूनीकरण को इम्प्रूव किया है, तो वो ये स्केल अप करने का हम लोग एक्चुअली व्हाट जैसे हमारे पास गोरखपुर में हम लोगों ने इस साल 200 आपदा फ्रॉम गोरखपुर एंड फ्लॉट्रॉन मोस्ट आर द फ्रॉम फ्लॉट्रॉन एरिया, तो दे विल बी प्ले एज अ मतलब हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्स पर्सन हो सकता है जो हमें इस चीज को स्केल अप करने में हमारा सहयोग कर सके। और उसमें जैसे जो जैसा कि रूप में हमने कहा ना कि प्रायोरिटाइज तो फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है, पूरी तरीके से तो 100% ग्राम पंचायत फ्लडेड होता है क्योंकि एक ग्राम पंचायत में हमारे 2 या 3 रेवेन्यू विलेजेस हैं, ठीक है, तो जो हमारा टोटल अगर ग्राम पंचायत अफेक्टेड होता है तो वी विल फर्स्ट टेक अप द या जो सबसे ज्यादा बात होता है उनको हम लेंगे फर्स्ट राउंड में मोस्ट अफेक्टेड, तो जो मोस्ट अफेक्टेड जीपी होगा दैट वी विल सेलेक्ट थ्रू तहसील, ठीक है, हम लोग तहसील के थ्रू इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जीपीस ऑलमोस्ट, ठीक है, तो एटलीस्ट वी हैव टू कवर 10%, एटलीस्ट 10%, तो वी नीड टू शॉर्ट ऑफ 124, राइट, तो 124 विलेजेस को जो रहेगा वो जी प्रोजेक्ट ऑन गोइंग विद जॉइंट कोलैबोरेशन डीडीएम एंड यूनिसेफ इन द पास्ट ऑफ सीसी एंड गोरखपुर इज प्रोन टू लाइक हीट वेव्स साइक्लोन्स फ्लड्स एंड लाइटिंग देयर आर 3 SOPs हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड दीज हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड अदर इज All DDMA is also working on drafting a school safety plan, which for which we have already worked for near about 30 schools. We have already drafted there. We are supposed to work on the disaster resiliency of those schools, the entire media of Gorakhpur, and also CCRP analysis of the school was completed. Miss Ruth Lianno, यूनिसेफ चीफ उत्तर प्रदेश राज्य की हैं, उन्होंने जो अभी बताया वो कहा है कि हम तीन विषयों में हमारा जो काम चल रहा है वो अब हम तीन विषयों में सोच रहे हैं इसके बारे में। एक तो हमने जो जिला प्रशासन और DDMA के साथ जो मिल के सामुदायिक आपदा न्यूनीकरण पे जो काम किया है वो हमने दो मॉडल ग्राम पंचायत में काम किया है, बट अब हमारा ये प्रश्न है जो कि हम जिला के साथ मिलके ये सोच रहे हैं कि इसको हम पूरे ज़िले में कैसे करेंगे, और एक तरह से जो यहाँ से जो सीखा गया है वो पूरे ज़िलों में पूरे सारे ग्राम पंचायतों में ये आपदा न्यूनीकरण का काम किया जाना चाहिए, जो यूनिसेफ एक गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करके ये काम करेगी। दूसरा जो बताया गया है कि जो हमने यहाँ से सीखा, जितने जो हमने काम किया DDMA गोरखपुर के साथ और जो सीखा वो एक तरह से और ज़िलों में हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो लर्निंग है, जो हमारी सीख है वो और ज़िलों में बांटना है, इसके बारे में हमने एक लर्निंग इनिशिएटिव के बारे में सोच रहे हैं। और तीसरा जो हम ये एक तीसरा विषय जो हमारे लिए है कि इन सब चीज़ों को लेके एविडेंस या जो डेटा होता है उसको हम कैसे गैदर करें ताकि हम और ज़िलों में इसको दिखा सके और इवन सरकार स्टेट लेवल पे सरकार को दिखा सके कि इससे क्या फ़ायदे हुए हैं। बच्चों के लिए जो उन्होंने कहा है कि हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके काम करते हैं और इन डिपार्टमेंट्स के साथ हमें ये देखना होता है कि हम इनके साथ जुड़ के किस तरह से बच्चों की जो रेजिलियंस है, बच्चों की जो सहन शक्ति है उसको कैसे बढ़ाया जाए।
एक्चुअली गोरखपुर में यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर और यूनिसेफ उत्तर प्रदेश एक परियोजना संचालित कर रही है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जो आपदा का जो आपदा के प्रभाव हैं उनके जो जोखिम हैं उसको न्यून करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें जो जनपद की जिला आपदा प्रबंधन योजना है और जो हमारे ख़ास तौर से जो मैंडेटेड एरियाज़ हैं, जैसे अगर देखा जाए तो आपदा काल में तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। एक हमारा जो न्यूट्रिशन का पार्ट होता है, जो लोगों के पोषण का पार्ट होता है, वो एक सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। दूसरा जो बच्चों की शिक्षा रहती है वो भी एक काफ़ी समय तक बाधित होती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी इशू होती है वो होती है स्वच्छता, यानी वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड इशूज़ को लेकर के। तो इन तीनों इशूज़ पे फोकस्ड होकर के उत्तर प्रदेश यूनिसेफ के साथ हम लोग मिल करके एक उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये हम लोग बेसिकली बाढ़, अग्निकांड, भूकंप और शीतलहर और लू, ये पांचों विषयों पर आपदाओं को संकलित किया गया है और उस पर इन तीन सेक्टर्स के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो यूनिसेफ का हमें तकनीकी सहयोग प्राप्त है इस पूरे कार्य में, जिसको लेकर के जिला प्रशासन उनके साथ कार्य कर रहा है। और आज उसी को लेकर के एक हम लोगों ने गाँव में जो आगामी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसको लेकर के ग्रामीणों को बीच हम लोगों ने उनको एक प्रशिक्षण प्रदान किया, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस चल रहा है। अभी आज जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले हम लोगों ने कुछ लगातार सभी तहसीलों में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था। उस कार्यशाला में हम लोगों ने सबसे यही प्रोत्साहित किया था कि ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करें, प्रत्येक गांव की योजना बने। तो उसी तरीके से अलगटपुर गांव की भी योजना बनाई गई है। तो अलगटपुर गांव में आज हम लोगों ने वहाँ पर NDRF और SDRF की टीम के साथ प्लस वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और अन्य विभागों को हम लोगों ने वहाँ पर ले जा करके फील्ड में आज हम लोगों ने एक एक्सरसाइज किया, जिसको एक यूनिसेफ की टीम द्वारा मॉनिटर भी किया गया, देखा गया। और ये एक तरीके से उनका एक टेक्निकल सपोर्ट था। अब वो उस चीज़ को देख करके आए हैं तो ज़रूर उसमें हमारी कुछ कमियां रही होंगी या कुछ और बेहतर करने की जो गुंजाइश रही होगी, उन सब विषयों पे आज टीम ने यहाँ पे दौरा किया। और आज अभी हम लोग कार्यालय में बैठ करके जो अभी तक इधर कुछ दिनों में कार्य हुए हैं उसकी एक प्रगति समीक्षा भी करेंगे। और जैसा कि अभी रूथ एल लियानो मैम ने बताया भी कि अब हम लोग इसको और स्केल अप करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने पिछले वर्ष दो गाँवों की ग्राम पंचायत योजना बनाई थी। अब हम लोग इसको किस तरीके से गोरखपुर के अन्य जो ग्राम हैं उसमें कैसे हम लोग इसको स्केल अप करें और ख़ास तौर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसे स्केल अप करें, इसको लेकर के अब हम लोगों को कार्य करना है। तो उसी सब संबंध में आज टीम यहाँ गोरखपुर में उपस्थित है।